मैं बना रही हूँ। ये वाले सेवैयां बैम्बू में जो हमें हमारे मम्मी ने बनाया करती थी। देखिए मैं इसमें इसमें प्याज डाला है, टमाटर डाला है, हरी मिर्च डाली है, करी पत्ता, थोड़ी सी हल्दी, जीरा, मिर्च और नमक भी स्वाद अनुसार। बस जो भी थोड़ी देर सौते होने देना है, जब तक अपने आपके टमाटर नरम ना हो जाए तब तक इसे भूनते रहिए धीमी आंच पर। बस जो 5 मिनट के लिए रखिए, थोड़ा सा ऑयल और घी ऐड कीजिए। अच्छे से सौते होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो बैम्बिनो है वो। नमक तो मुझे ठीक लग रहा है। अब ये जो बैम्बिनो है इसको अच्छे से भून लेंगे हम, मतलब पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो बैम्बिनो है ना, इसमें पानी बहुत थोड़ा सा लगता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी लगता है। जब आपको लगे कि ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं तब आपको इसमें वाटर ऐड कर देना है। देखिए मैंने वाटर ऐड कर लिया है और थोड़ा सा वाटर लगेगा, और थोड़ा ही वाटर डालकर मैं इसे कुक होने के लिए लो फ्लेम पर रख दूँगी। अब हम इसे ढक कर बस 2 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर आपको मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखिए ये पकने के बाद इस तरह लगेगा, तो वाटर जो है वो सोक हो जाएगा। यार ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी होता है। हमने तो इसमें बहुत इंजॉय किया। बाय बाय।